नमस्कार गोपाल, मैं हूँ आशीष सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के खास खबरों की। तीसरी बैठक में भाग लेने आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से काफी देर तक की मुलाकात। छोटी कक्षा में पढ़ाई का इतना बोझ कि मासूम छात्रा ने लगा ली फांसी, बैठना सुनकर घर पर रह गया स्तब्ध। बस ऑपरेटर बोले दीमा के हम कर रहे हैं लेकिन बार बार परेशान करना बंद करें। योग दिवस से पहले भोपाल में दिखाई योग दिवस का माहौल, लाल परेड ग्राउंड पर होगी रिहर्सल। भोपाल में जेल प्रहरियों की भर्ती की रैली हुई, शहीद प्रतिभागियों के शरीर का हुआ मास्क होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ गुरुवार को सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात काफी चर्चाओं में रही। इसे आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों दिग्गजों में करीब आधे घंटे तक गुप्त मंत्रणा होती रही। सूत्रों के मुताबिक इसी साल मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में चर्चा की गई है। आरएसएस प्रमुख और प्रदेश के मुखिया के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। गुरुवार सुबह मध्य प्रदेश के संघ के दफ्तर संविधान में यह मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद संघ प्रमुख सड़क मार्ग से विदिशा रवाना हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र का महाकुंभ 11 जनवरी से विदिशा में शुरू हुआ है। इसमें शामिल होने के लिए स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन देने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत बुधवार रात ही विदिशा पहुंच रहे थे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित देशभर के आरएसएस के पदाधिकारियों को कपूर पैराडाइज, आशीष मंगल वाटिका और सरस्वती शिशु मंदिर केशव नगर में ठहराया गया है। सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में बैठक और बौद्धिक होगा, इसके लिए भी पंडाल तैयार हो चुके हैं। 12 जनवरी को एसएटीआई में करीब 4000 लोगों को संघ प्रमुख भागवत संबोधित करेंगे। संघ के इस तीन दिनी बैठक को गोपनीय रखा गया है। संघ पदाधिकारियों के अलावा यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। पढ़ाई के बोझ तले या फिर रिजल्ट खराब होने के मामले में अब तक बड़ी कक्षाओं के बच्चों के सुसाइड के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन भोपाल में एक चौंका देने वाला हादसा हुआ है। पढ़ाई में कमजोर बताए जा रहे कक्षा 4 के एक स्टूडेंट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिससे भी ये खबर सुनी स्तब्ध रह गया। किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि कक्षा 4 का कोई बच्चा भी इस तरह का कदम उठा सकता है। लोगों का कहना है कि इस उम्र के बच्चे किसी तरह के बोझ को सिर पर नहीं रखते और ऐसा कदम तो कम से कम नहीं उठा सकते। जैसे ही ये जानकारी आई लोगों ने आज की शिक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो गए। बताया जा रहा है भोपाल से सटे हुए बेरसिया थाने के गाँव करारिया में यह हादसा हुआ है। यहाँ रहने वाला कक्षा 4 का एक छात्र अनिकेत पढ़ाई में बेहद कमजोर था। ये कदम उठाने से पहले वो घर से ये बोलकर निकला था कि वो पढ़ाई करने जा रहा है, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजन उसका इंतजार करते रहे और अंत में उसके सुसाइड की जानकारी तक पहुंची। बताया ये जा रहा है कि अनिकेत पढ़ाई में बहुत कमजोर था, उस पर पढ़ाई के लिए दबाव बना हुआ था। इस मामले में पुलिस या परिजनों के अब तक कोई बयान नहीं आए हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इंदौर में स्कूली बस हादसे के बाद प्रदेश भर में बसों की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने स्कूल बसों की चेकिंग के दौरान कई स्कूलों की स्कूल बसों के परमिट रद्द कर दिए हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर गुरुवार को जिला पंचायत भोपाल में अधिकारियों ने बस संचालकों और प्रिंसिपलों के साथ बैठक की। इस बैठक में ज्यादातर स्कूल के प्रिंसिपल सहित बस संचालक मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि बस संचालकों की बैठक में पूरा हाल बस संचालकों और प्रिंसिपल से खचाखच भरा रहा। बैठक में सांसद आलोक संजर भी शामिल हुए। उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट, बच्चों और पालकों से समस्याएं बताने को कहा। ट्रैफिक पुलिस से बोले कल से ही जांच करें और 7 दिन के अंदर लगातार वेनों की जांच की जाती रहेगी। एडीएम बोली बच्चों को किसी के सुपुर्द कर देते हैं, यह गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। उन्होंने बताया अगर कोई शिकायत करना चाहे तो उनके लिए कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं।
बैठक में बस ऑपरेटर का कहना था कि बस की फिटनेस और परमिट पहले ही परिवहन विभाग की साइट पर है, बीमा भी परिवहन विभाग द्वारा लिया गया है, लेकिन बार बार वाहनों को सड़क पर परेशान किया जाता है। बीमा भी परिवहन विभाग द्वारा लिया जाता है। बस संचालकों ने कहा कि 40 से ज्यादा बसें परिवहन विभाग ने जब्त कर ली है, ऐसे में बस का संचालन कैसे किया जाए। इधर बैठक में कई समस्याओं के निपटारे को लेकर हाल के अंदर और बाहर कई अधिवक्ता भी मौजूद रहे, जिनसे बस ऑपरेटर सलाह लेते हुए नजर आए। अगर वो नहीं मानते तो पूरे प्रदेश की बसों का संचालन अपने तरीके से हम बंद कर देंगे, जिला प्रशासन अपनी व्यवस्था करें अपना संचालन करें। संगठन मंत्री स्वामी विवेकानंद जी के जन्म उत्सव पर शुक्रवार को देश भर में योग दिवस मनाया जाएगा। जन्म दिवस पर होने वाले सूर्य नमस्कार के राज्य स्तरीय समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान में सुबह 9 बजे होगा। भोपाल के सामने सूर्य नमस्कार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा दीपक जोशी, महापौर आलोक शर्मा भी शामिल होंगे। सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम का पूर्व अभ्यास लाल परेड ग्राउंड पर गुरुवार सुबह किया गया। शुक्रवार को होने वाले सामूहिक सूर्य नमस्कार के मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से भी किया जाएगा। पूरे प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाओं में एक साथ निर्धारित समय में सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम गतिविधियां संपन्न की जाएंगी। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम स्वैच्छिक है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा जेल प्रहरी के पद के लिखित परीक्षा का परिणाम 30 नवंबर को जारी कर दिया गया था। प्रथम चरण के चयनित उम्मीदवारों को शारीरिक नापजोक एवं प्रवीणता टेस्ट मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में 10 जनवरी से शुरू हो गया है। यह आयोजन 20 जनवरी तक जारी रहेगा। जेल प्रहरी के पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों के द्वितीय चरण की परीक्षा में शारीरिक नापजोक एवं प्रवीणता टेस्ट जेल विभाग ले रहा है। यहाँ चल रही भर्ती प्रक्रिया में युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। दर्दकालीन सीहोर में जिला स्तरीय रेड रिबन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि जिला क्षय एवं एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर पद्माकर त्रिपाठी ने रक्तदान का महत्व, एड्स एचआईवी कैसे फैलता है व इससे बचने के उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस कार्यशाला में विशेष अतिथि के रूप में प्रचार सुमन तनेजा व राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला संगठक डॉक्टर राजेश बगोरिया मौजूद थे। जिला क्षय एवं एड्स नियंत्रण समिति के ICTC परामर्शदाता तके सिंह, अविधा विमुक्ति संस्थान के ORW संजय कुमार एवं प्रोग्राम मैनेजर कृष्णकांत विश्वकर्मा ने भी अपने विचार रखे। कार्यशाला में जिले की 7 राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, शासकीय कन्या महाविद्यालय, आरके कृषि महाविद्यालय, शासकीय पीजी महाविद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालय सीहोर, शासकीय महाविद्यालय आस्था, इच्छावर व नसरुल्ला गंज के कार्यक्रम अधिकारी शामिल हुए। सीहोर में पेयजल लाइन के लीकेज से बार बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात बाजार क्षेत्र में पेयजल लाइन फूट गई, इससे क्षेत्र में पेयजल सप्लाई नहीं हो सका। सीहोर में सब्जी मंडी से लेकर नमक चौराहा तक सीवेज खुदाई की गई थी। लापरवाही से की गई खुदाई के कारण पेयजल सप्लाई लाइन तोड़ दी गई है। इसके कारण पानी तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही लीकेज के कारण मुख्य बाजार के गांधी रोड, खजानपी लाइन, बड़ा बाजार, पान चौराहा, नगर पालिका क्षेत्र, अस्पताल क्षेत्र में पानी सप्लाई नहीं किया जा सका। शहर में अधिकांश क्षेत्रों में भी यही हालात बने हुए हैं। अब तक लाइन मरम्मत का काम पूरा नहीं हो पाया है, इसके कारण गुरुवार को भी पेयजल लाइन की सप्लाई बाधित रही। मौसम को देखते हुए आगामी दिनों में मौसम में बदलाव नजर आएगा। मौसम परिवर्तन के कारण खेतों में खड़ी फसल पर भी विपरीत असर पड़ सकता है। मौसम विभाग के अलर्ट के साथ ही मौसम में परिवर्तन होने लगा है। बदलाव के कारण हवा की गति और दिशा में भी बदलाव नजर आने लगा है। हवा के साथ ही मौसम में भी नमी दर्ज की जा रही है। शीतलहर के कारण जिसका तापमान गिरकर इस सप्ताह सबसे निचले स्तर 22.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। सप्ताह की सबसे सर्द रात का तापमान रविवार को 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने शीतलहर के अनुमान को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम परिवर्तन बर्फबारी और हवा की उत्तर दिशा से उत्तर पूर्व होना बताया जा रहा है। तापमान बुधवार की अपेक्षा सीहोर में रात दिन में 1-1 डिग्री गिरकर अधिकतम 22.5 और न्यूनतम 7.0 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से रात दिन के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी, कोहरे और ठंड में इजाफा होगा। सीहोर में ATM की सुरक्षा भगवान भरोसे चल रही है। दिन में तो कुछ एक ATM पर सुरक्षा गार्ड नजर आ जाते हैं, लेकिन रात में अधिकांश भगवान के भरोसे ही रहते हैं।
इसका फायदा बदमाश एटीएम में तोड़फोड़ कर रुपये लूटने की वारदात को अंजाम देकर उठाते हैं। बावजूद बैंक प्रबंधन लापरवाही दिखाने में लगा हुआ है, पूर्व में हुई घटनाओं से भी सबक नहीं लिया जा रहा है। पत्रकार टीम ने लाइव कवरेज करते हुए इनके हाल जाने से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नियमानुसार एटीएम की सुरक्षा को लेकर 24 घंटे गार्ड तैनात रहना चाहिए, जिससे कि रुपया निकालने और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। नगर में इतना बदल नहीं दिख रहा है, कुछ एक एटीएम को छोड़कर कई पर गार्ड लाए बैठे हैं, जबकि कई बार एटीएम में जोर की वारदात कर चुकी है। कुछ महीने पहले ही जिले के कोठारी बस स्टैंड पर लगे एटीएम को बदमाशों ने निशाना बनाया था, तो रुपया निकालने मशीन में तोड़फोड़ की गई थी। वो अपने उद्देश्य में कामयाब होते इससे पहले ही आवाज सुनकर लोगों के आने से वो यहाँ से भाग खड़े हो गए। सीहोर जिले के 150 गांव आज भी ऐसे हैं जिनमें आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। बिजली नहीं होने के कारण गांव के लोगों की जिंदगी नरक से कम नहीं है। इन गांव के लोगों का कहना है कि आज तक हकीकत में हमें नहीं लगता कि आजादी मिली है। जिले में हर गांव में बिजली उपलब्ध कराने की कंपनी का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत में इससे कोशिश दूर है। जिले के 105 गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में सेवनिया पंचायत के कोड़िया छीटू, जामनी के जामंगिया तालाब, खामखेड़ा के कत्तपोन का हरियरहेड़ी, बिछिया का दलित मोहल्ला प्रमुख है। जिन गाँव में बिजली नहीं पहुंची है उनमें जिले में सबसे अधिक सीहोर सर्किल के 45 गाँव बताए जा रहे हैं। बिजली कंपनी की माने तो मजरे टोले में दीनदयाल योजना के तहत काम चल रहा है। कटपोन पंचायत में आने वाले हरि अभील बंजारा जाति का गांव है। गांव के भगवान सिंह ने बताया कि बिजली के बिना गांव में लोग लड़की ब्याहने से गुरेज करने लगे हैं। हालत ये है कि इन गांव के लोग और बच्चे अब पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। एक बच्चे द्वारा घड़ी का सेल निकलने का मामला सामने आया है। विदिशा जिला अस्पताल में भर्ती कर उसका उपचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर के ग्राम टिपरिया का रहवासी जालम सिंह राजगोड़ यहाँ विदिशा के घाट टिपरिया पर रहकर मजदूरी करता है। उसके 17 माह के पुत्र अरुण ने खेलगेल में घड़ी का सेल निकल लिया। वो उसे तत्काल जिला अस्पताल लाया जहाँ भर्ती कर उसका उपचार किया जा रहा है। डॉक्टरों ने बताया सेल बच्चे की आहार नाल में फंसा है, ऑपरेशन कर इस सेल को बाहर निकाला जाएगा। विदिशा के सेंट मेरी कॉलेज में भारत माता की आरती कराए जाने को लेकर सनातन संघ ने खून से भरे पत्र कलेक्टर को लिखे हैं। संघ के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। ये पदाधिकारी खून से लिखे पत्र साथ में लिए हुए थे। कलेक्टर के नाम संघ के प्रियंका रघुवंशी द्वारा लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि सेंट मेरी कॉलेज में 4 जनवरी को भारत माता की आरती होनी थी, जो प्रशासन द्वारा रोक दी गई है। अब इस आरती के लिए संघ ने 16 जनवरी को कॉलेज प्रांगण में आरती की अनुमति मांगी है। इस पत्र के अलावा एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन के नाम सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत माता की आरती के लिए सहयोग किया जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। 4 जनवरी को प्रशासन द्वारा भारत माता की आरती जो कि सेंट मेरी कॉलेज में होनी थी वह रोक दी गई। आपसे पुनः निवेदन है कि 16 जनवरी को हमें कॉलेज प्रांगण में आरती करने की अनुमति दी जाए। विदिशा में निजी स्कूल शिक्षा संघ की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित की गई। इस दौरान सरकार द्वारा निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद दिए जाने का विरोध किया गया। इसके बाद रैली शुरू हुई जो शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। सुबह 9 बजे से ही अग्रवाल धर्मशाला में जिले भर के निजी स्कूल के संचालक पहुंचने लगे थे। फिर बैठक शुरू हुई जिसमें वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर निम्न तबके के बच्चों को प्रवेश दिए जाने पर सरकार से मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान की प्रक्रिया अब जटिल कर दी गई है, जिसकी विसंगति के कारण कई निजी स्कूल संचालकों को पूरी प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं हो पाया, क्योंकि जो बच्चे स्कूल से टीसी लेकर चले गए हैं या वर्तमान में स्कूल नहीं आ रहे हैं उनकी 2016-2017 की फीस का भुगतान कैसे संभव होगा। इसके साथ ही स्कूल के डेटा आधार कार्ड और समग्र आईडी में नाम की स्पेलिंग के अंतर होने तथा अन्य अंतर पाए जाने पर भी भुगतान नहीं हो पाएगा, जिसका खामियाजा स्कूल संचालक को भुगतना पड़ेगा। जिला विदिशा के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष मानसी राजपूत जिले की प्राइवेट स्कूल संचालक और प्रशिक्षकों के साथ लेते हुए जो मध्य प्रदेश शासन ने बायोमेट्रिक पद्धति से निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों का प्रवेश होता है उनकी फीस का भुगतान के लिए प्रावधान लागू किया, उसमें शायद की विसंगति है। उसके विसंगतियों को समाप्त कर पुरानी पद्धति से ही भुगतान किया जाए। साथ ही शिक्षकों का जो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को 25% आरक्षण दिया जाता है बीएड में, उनको भी
इसी में शामिल किया जाए। इन सब बातों को लेकर आज हमने यहाँ पर एकत्रित हुए अग्रवाल धर्मशाला में, मुख्य मार्गों से हम जा रैली निकालेंगे। ऐतिहासिक विजय मंदिर में मकर संक्रांति से नियमित पूजा पाठ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को शहर के कुछ मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की और लोगों को मकर संक्रांति पर विजय मंदिर में पूजन में शामिल होने की अपील की गई। वहीं धर्माधिकारी मंडल के संरक्षक पंडित नंद किशोर शास्त्री ने पत्रकारों को बताया कि वे विजय मंदिर की मुक्ति के लिए नगर में आ रहे सर संचालक मोहन भागवत और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर उनसे विजय मंदिर पहुंचकर वास्तु स्थिति से अवगत कराने की अपील करेंगे। शास्त्री ने कहा कि यदि भागवत और मुख्यमंत्री मंदिर तक पहुंच रहे तो मंदिर के समस्त बंधनों को मुक्ति का आह्वान हो जाएगा, लेकिन यदि वे नहीं पहुंचे तो कहा नहीं जा सकता कि कल क्या परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि विजय मंदिर पर मकर संक्रांति पर पूजा अर्चना की जाएगी। उन्होंने इसमें सभी के सहयोग करने की अपील भी की है। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करने की बात भी कही है। पूर्व बड़ेपुरा चौराहे पर विजय मंदिर मुक्ति अभियान के तहत बड़ी संख्या में महिला पुरुष एकत्रित हुए और मंदिर में पूजन अर्चन कर संकल्प यात्रा शुरू की गई। कार्यक्रम को लेकर विदिशा शहर के धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, लोगों से विनती कर रहे हैं कि 15 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में हम सबके साथ सूर्य मंदिर पहुंचे और वहां भगवान सूर्य देव की आराधना करें। मंदिर का जो कार्यक्रम तय किया है पूजन अर्चना का, उसके लिए संकल्प यात्रा मंदिर मंदिर यात्रा के रूप में आज हम लोगों ने यात्रा निकाली है। इसका उद्देश्य यह है कि 15 तारीख के लिए विदिशा के नागरिकों को संकल्प दिलाना है ताकि सब लोग जाकर ऐतिहासिक विजय मंदिर विजय सूर्य मंदिर पर पूजा अर्चना कर सकें। विदिशा में कांग्रेस ने किसानों और बेरोजगार युवाओं को लेकर अधिकार यात्रा का आयोजन किया। यात्रा के पूर्व नीमताल पर प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने सरकार को आड़े हाथों लिया। नीमताल पर सुबह 11 बजे से प्रदर्शन शुरू हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने युवा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने, किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाए जाने और गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए कुछ करने की बात कही है। इसके बाद किसान युवा बेरोजगार अधिकार यात्रा प्रारंभ हुई जो नीमताल तिलक चौक माधवगंज अस्पताल मार्ग होते हुए वापस नीमताल चौक पहुंची। इस दौरान राहगीरों को पंपलेट वितरित कर जोरदार नारेबाजी भी की गई। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।